हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप में। तो दोस्तों ये कि देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आज मैं आपको यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा साइंस के। ठीक है, ठीक है, साइंस क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और थोड़े बायो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस को क्वेश्चन आपके इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, जो आपके पिछले साल पेपरों में कुछ ज़्यादा मतलब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड होते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने ज़्यादा लिया है और जो इस बार परीक्षा में भी आ सकते हैं। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, ध्यान से समझना। ठीक है, पिछले साल पेपर में आए हुए भी प्रश्न है ये। ठीक है, धातुएं विद्युत के अच्छी चालक होती हैं क्योंकि, इसका रीजन क्या होता है? तो वो देखो, धातुएं विद्युत का अच्छी चालक होती है क्योंकि वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। क्या करती हैं? जो धातुएं होती हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। तो पहले के सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो साइंस आती है आपकी, तो बहुत ही मतलब अलग टाइप की आती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लेना भाई, पहले ही बता दे रहा आपको, जल्द आपका पेपर भी होने वाला है। ठीक है, साधारण नमक है दूसरा नंबर प्रश्न है। तो साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्लोराइड होता है, मतलब NaCl होता है। साधारण नमक होता है NaCl, मतलब NaCl भी लिख क्या सकता है, रासायनिक सूत्र लिख क्या सकता है, या तो रासायनिक नाम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है उसे। ठीक है, चलो भाई, भोजन में ये कि भोजन का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, नमक। ठीक है, लिखा है तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव में शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है प्रातः धूप में? तो आप समझ गए होंगे, विटामिन डी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, विटामिन डी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तीसरा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या है। चौथा नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट हो जाएगा, 46 होता है। अगर जोड़ों में लिख के आ जाए, जोड़ा मतलब कि 23 जोड़े होते हैं वैसे, तो वैसे 46 होते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है? मतलब कि दर्पण है जैसे, शीशा, दर्पण मतलब शीशा कहते हैं, उसके पीछे का जो पृष्ठ भाग होता है पीछे का, उसमें जो परत कैसी किस प्रकार की लेपित होती है, कैसी किस प्रकार की होती है? तो ये मैं पढ़ा चुका आपका, सिल्वर की होती है। ठीक है, चलो भाई, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं आपको। चलो भाई अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में मुख्यतः क्या होता है? छठा नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन नियॉन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सातवां नंबर प्रश्न है, बताइए जो फ्लैश बल्ब होता है वो जो बल्ब का तार जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, Mg, मतलब परमाणु संख्या आपकी 12 होती है इसकी। ठीक है, तो इसको सातवें का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ लेना। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आठवें का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? आठवें का सी ऑप्शन, समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, या तो फिर देखो ऐसे में लिख के आ जाए पार्श्व परावर्तन, तो वो भी ठीक है, या तो फिर ऐसे में लिख के आ जाए पेपर में काल्पनिक बनता है, काल्पनिक और पार्श्व उल्टा, मतलब उल्टा टाइप का बनता है, काल्पनिक उल्टा, और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लेना। प्राथमिक रंग कितने होते हैं तो बताइए जरा, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो वो तीन ही होते हैं आपके। ठीक है, चलो भाई तीन होते हैं, RBG, रेड ब्लू ग्रीन, लाल नीला हरा। ठीक है, लाल नीला हरा, ये प्राकृतिक रंग होते हैं, इन्हीं रंगों से मिला मिला के अन्य रंग बना दिए जाते हैं। ठीक है, चलो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बताइए? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं, अभी बताते। देखो जनित होता है, जनित का दूसरा नाम डायनामो भी होता है, तो आप लोग बिल्कुल ये संदेह मत, मतलब डाउट वाउट मत रखना। ठीक है, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो जनित होता है, वो डायनामो भी इसी कहते हैं, तो ये ऑप्शन राइट है, डायनामो ज़्यादा लिख के आता है पेपर में, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, देखो भाई प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक होता है? 11 नंबर प्रश्न है, तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो दूरी का होता है, प्रकाश वर्ष वैसे दूरी का मात्रक होता है, समय और किसी का नहीं होता ये सब। ठीक है, तो दूरी का मात्रक होता है, इसको पढ़ लेना, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, 9.46 × 10⁻¹⁸ केवल 15 मीटर का होता है। ठीक है, चलो भाई एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, अचल संधि पाई जाती है, 12 नंबर प्रश्न है, तो यह आपकी कहाँ पाई जाती है पहले ये बताइए? तो यह देखो कपाल में, या तो फिर कह सकते हो खोपड़ी में, कपाल खोपड़ी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, सर के ऊपरी भाग जो खोपड़ी होती है हम लोगों की, कपाल में या खोपड़ी एक ही चीज़ कहते हैं उसको, तो अचल संधि वहाँ पाई जाती है। ये मैं क्वेश्चन आपको बहुत पहले करा चुका हूँ। ठीक है,
चलो भाई 12 क्वेश्चन ये हो गए, अब ये 12 क्वेश्चन करा देंगे ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ठीक है, 24 क्वेश्चन हो गए मान के चलो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? पहला नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो देखो पहले का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट, जर्कोनियम होता है वो आपका रेडियोधर्मी नहीं होता। और दूसरी बात, रेडियोधर्मी होते क्या, रेडियम तो होगा, यूरेनियम होगा, प्लेटिनियम होगा, रेडियम यूरेनियम प्लूटोनियम ये आपके होते रेडियोधर्मी, लेकिन जर्कोनियम नहीं होता है, पहला ऑप्शन राइट है। शीशा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? शीशा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, बताओ राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। दूसरा नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, टेट्रा इथाइल लेड होता है, क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड होता है, इसको पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, तो आप समझ गए होंगे लाल चींटी द्वारा ठीक है, फॉर्मिक अम्ल ठीक है, HCHO ठीक है, ये जब चींटी काटती तो हमारे जो जैसे दर्द जो करता है वो जब मतलब चींटी जब काटती तो वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है ठीक है, HCHO होता है, चींटी कारण उत्पादित होता है ठीक, फॉर्मिक अम्ल, ये इसको याद कर लेना। तीसरे का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि का तारत किस पर निर्भर करता है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट लगा लो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन चौथा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है। ध्वनि का तारत किस पर निर्भर करता है, चौथा नंबर प्रश्न, तो आपको ये सीधा याद करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्य ठीक है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती मतलब फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु कौन सी है, पांचवा नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, प्लेटिनियम होता है वो सबसे कठोर धातु होती है, तो इसको थोड़ा पढ़ लो ठीक है। एंजाइम मूलतः होते हैं, छठा नंबर प्रश्न है, प्लेटिनियम को पता होगा क्या कहते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन चुका है एक बार, सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं ठीक है, ये लिख लो कहीं अगर आपको आता, अच्छी बात है, सफ़ेद सोना कहते हैं प्लेटिनियम को ठीक है, सबसे कठोर धातु होती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम छठा का डी ऑप्शन, प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम होते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनता है अक्सर पेपर में, तो याद कर लेना छठे का डी ऑप्शन राइट है। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो बताओ क्या होगा, तो विद्युत में जरूर करता होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था डायनमो और ये जनित रेखी होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था वो। सातवें का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सातवें का सी ऑप्शन राइट है। डायनमो क्या होता है, डायनमो या जनित लिख के आ जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद कर लेना। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, सबको आता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, वाट होता है ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऐसा ही मात्रक। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसमें कॉइल के ठीक है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित करके विभव प्रेरित करते कहलाती है, नवा नंबर प्रश्न है, तो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय पेन कहलाता है ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो भाई ये दसवां नंबर दिया गया, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है, दसवां नंबर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। सोना चांदी इसके उदाहरण भी हैं ठीक है, चलो अगाध वर्धनी कहलाता है, अगाध वर्धनीता के उदाहरण कोई पूछ ले तो सोना चांदी होंगे, उन्हीं को पीट कर सीट में बदल देते हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है, तो गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है, ग्यारह नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट, अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, पढ़ लेना। परमाणु बम विस्फोट में परमाणु बम विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण क्या है, देखिए एक मिनट रुकना, देखो तब से मैंने 25 क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए, एक बार भी नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। देखो अब यह हो सके तो भाई पहले तो लाइक करो ना, आप लोग ये वीडियो देखो काट के चले जाओ, भाई लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो, अभी मैंने जाने कितने आपको जीके भी करा दिए, साइंस भी अब कराने लगूंगा ठीक है, तो आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो ठीक है, जिसको भी शेयर करो उससे कहते रहो और लोगों को भी शेयर कर देना ठीक है, ऐसे ही करते रहना। और 12 नंबर प्रश्न है, तो इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन ठीक है, इसको पढ़ लो ध्यान से। परमाणु बम विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा के निकलने का कारण क्या है, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में कन्वर्ट जब होता है इसी कारण ठीक है, विस्फोट में बदल जाता है। चलो भाई ये कि 25 क्वेश्चन लगभग आपको मैंने करा दिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ठीक है, अगर ये कि वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले एक लाइक कर दो, लाइक नहीं करते आप लोग लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।